5-6 हज़ार का तो है, वही 25 हज़ार का है। मनु बाप क्या, तू मनु क्या करती रहती है? मम्मी क्या है? मुंह तक नहीं पहुंचे। तेरा जो मगरमच्छ कुमार के पास बना है उसका क्या? किसने मारा मगरमच्छ? किसने मारा? करीना। हाँ हाँ, करीना बहुत सुंदर थी। करीना तुझ जैसी है। नहीं, सब मम्मी हर माँ को अपनी बेटी हीरोइन लगती है। नहीं बेटा, सभी कहते हैं करीना जैसी। हे गाइस, आई एम प्रियंका दियागी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कहीं मत जाना, प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट माय नोटिफिकेशंस फॉर माय वीडियोस। सही बोला ना? सही बोला। अच्छा, आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज आई एम गोइंग टू बरेली टू गेट माय मॉम टू मुंबई। और मम्मी हमारे साथ रहने वाली है फॉर लाइक मंथ्स। और बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी उनके साथ, फ्रैंक वीडियोस और अलग अलग बहुत सारी वीडियोस। तो या मैं एक्साइटेड एक इसलिए भी हूँ और एक इसलिए भी हूँ बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम बरेली जा रही हूँ एरोप्लेन से, बिकॉज वहाँ पे एयरपोर्ट खुल गया है। तो हमेशा मुझे ट्रैवलिंग के लिए ट्रेन से जाना पड़ता था, तो इस दफ़ा मैं प्लेन से जा रही हूँ। तो या तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ बिकॉज मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ, सब कुछ दिखाने वाली हूँ, मतलब बरेली। ओके बाय। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय टू मुंबई। और मेरे को सबसे बुरा लगता है जोई को छोड़ के जाना। कम कम बाबू, बाय कर दो सबको, कम चलो। बाय 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 बाय, मम्मा मिलेगी बेटा, नानी को काटना मत। ओके, नहीं काटोगी ना? तो जोई छेंग बाय बाय टू मी, आई लव यू। ओ यार, मेरे को इसे चटवारा नहीं पता। हाँ, नो नो, ऐसी बाय बाय बोलो, डुंग 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 बाय, बुझु 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 बाय। ओके बाय, चलो गाइस एयरपोर्ट पे मिलते हैं। फिर मैंने मम्मी के लिए पर्स ले रही थी गिफ्ट, और मैं मम्मी के साथ फ्रैंक करने वाली हूँ। मैं मम्मी को रेट दुगना बताने वाली हूँ ये पर्स का, और मॉम का रिएक्शन लेने वाली हूँ। ओके, और मास्क पहनना आई थिंक अब कंपलसरी फिर से होने वाला है, तो मास्क पहनो और कोविड से बचे रहो। तो बाय। कितने का होगा ये तो पर्स तेरा? महंगा है, 5-6 हज़ार का तो है, वही 25 हज़ार का है। मनु बाप क्या, तू मनु क्या करती रहती है? मनु गंदी बात, मुझे बहुत। और ये मगरमच्छ को मार के बनाए, इसलिए 25 हज़ार। कोई मान लेगा यहाँ 25 हज़ार का बैग लाइए? मम्मी 25 हज़ार का है बेटा, कोई नहीं मानेगा ना। मैं आप तो मानोगी? मैं भी नहीं मान रही हूँ, तो कौन मान लेगा? भगवान तुझे बहुत देखे, मगरमच्छ को मारा है, खाल का पट बना है। सुनी क्या जरूरत है इतना महंगा पट करने की, ये बता पहले जरा। है पैसे को पैसा फेंकती रहती है, जानती नहीं है पैसा कितनी मेहनत से कमता है। अच्छा, पैसे की फिक्र है जो मगरमच्छ को मार के पर्स बना है उसका क्या? किसने मारा मगरमच्छ? किसने मारा? आपको इससे क्या मतलब किसने मारा? बड़ा भी पर्स यूज कर लो कि मगरमच्छ का मारा हुआ? नहीं, मैं नहीं करूंगी बेटा। अच्छा चलो, अब ये गिफ्ट है आपका, ठीक है? अच्छा लगा? अच्छा लगा, थैंक यू आपको। आपको मनवा क्या कर रही है? तो मम्मी मुंबई जाने के लिए तैयार हो? अच्छा, ये है मंदिर, ये स्पेशल कमरा मंदिर के लिए है। क्या रहती हो? मैं सब देख लेती हूँ, जो हफ्ते में चढ़ाई वही देख लेती। अब मैं खा रही हूँ काली दाल की खिचड़ी,
विद मट्ठा और लॉट्स ऑफ घी और इसमें हरी चटनी मट्ठा ये रहा। तो ये है मेरा लंच इन बरेली। ये है मेरा लंच। ओ ये भी डाल दिया, अब देखिए ये भी डाल दिया, पागल हो गई क्या? सब डाल दी और तेरे खिचड़ी डाल दी मनवा। ओहो वाह बेटी इन्हें डाला है मतलब। मोदी जी होता है मम्मी। हाँ हाँ मोदी हट, मोदी जी जी नहीं लगाएंगे। क्यों? कुछ कर नहीं रहे, महंगाई बढ़ाई है। कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं 200 रुपए को तो तेल बढ़ा दिए, क्या कर रहे हैं गरीब की हटिया बढ़ा दी। ओह शिट कितना सुंदर बनाया मनु दे, तू नहीं बनाए ऐसे, तुम बनाओ। बनाऊंगी। देखी 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 मनु, ये सुंदर है हीरोइन है करीना। हाँ हाँ करीना बहुत सुंदर थी, करीना तुझ जैसी है। नहीं सब मम्मी हर माँ को अपनी बेटी हीरोइन लगती है। नहीं बेटा सभी कहते हैं करीना जैसी। ठीक तो रहा है। हाँ क्या कह रही मम्मी? ये बहुत ढोंगी बाबा है काशी का। कौन है ये बाबा? ये पता ना बेकाता है, आश्रम चलाता है। हाँ। मम्मी इसने नाटक करा है, बॉबी देओल है ये। अरे है वो क्या यहाँ चलाते हैं फेसबुक पे। हाँ ये तो तू है। हाँ तू ही ना बताती, तू ही ना कमाती, तू ये बता, चूतिया बना रही है उनका। ये मैं भी तो जानती हूँ, चूतिया ना बना रही है मम्मी, सब कमाते हैं समझी, चुप बैठो। ये अपना अच्छा लग रहा है। हाँ है हाँ। अच्छी लग रही है हीरोइन जैसी, कताई हीरोइन से भी अच्छी लग रही है। छोटे कपड़े नहीं पहने हुए तो हीरोइन कब बनेगी? तो हीरोइन से भी अच्छी कोई पसंद नहीं कर रहा करेगा कब वो? मम्मी मैंने बिकनी पहनी हुई है इस पे, हैं नहीं इसमें कच्छा और वो पहना हुआ है, कुछ भी पहना है। आज हमारा लास्ट डे इन बरेली, हम फिर मुंबई चले जाएंगे और ये हम गेट नया बनवा रहे हैं। तो जब भी घर में लोग आते हैं और काम होता है तो हमें इन दोनों को बंद करना पड़ता है क्योंकि ये चढ़ जाता है लोगों पे। अच्छा वो है टफी, वो है क्यूटी वाइट वाली। तो जो टफी है वो 9 साल की है और जो क्यूटी है वो उसकी बेटी है। तो दोनों ही इंडी डॉग्स हैं। तो आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ कोई भी स्ट्रीट डॉग को आपको अडॉप्ट करना हो तो प्लीज़ करें। ये है गार्डन एरिया, और ये है गेट। ये पता नहीं क्या बन रहा है। ये है मेरे घर का एंट्रेंस और जो एरिया मुझे अपने घर का सबसे अच्छा लगता है वो है ये हमारा गार्डन एरिया। और गार्डन एरिया आ जाओ भैया, वाटर वॉटर फूक गया है तो पानी नहीं आ रहा, बट क्यों लगवाया है भगवान जाने कैसा है, ये देख लो खुद ही दिख रहा है पूरा। हाँ तो ये है वाटर फॉल एरिया, ये है पूरा गार्डन देख ही लिया होगा। और अब हम चलते हैं अंदर, आ जाओ। तो ये है घर का एंट्रेंस और पहले मैं दिखाती हूँ पूजा घर। टिपिकल पूजा घर, मतलब इट्स लाइक अ रूम और यहाँ पर मम्मी ने पूजा बना ली है। और ये एक अलमीरा है, नॉर्मल पूजा घर। फिर हम एंट्री लेते हैं और ये है हमारा
किचन जो कि मम्मी ने पिंक करवा दिया है, पता नहीं क्यों, रीज़न नहीं पता, बट ठीक है। और फिर ये एक पैसेज है, उस पैसेज में पहले तो आता है ये मम्मी पापा का रूम, और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मेरे घर में फर्स्ट, मतलब जो चीज़ें फर्स्ट आई हुई होती है वो दिखेंगी। तो बहुत ही नॉर्मल सा रूम है, और अभी इसके कर्टन्स चेंज कराने हैं। ये टीवी फर्स्ट टीवी, कलर टीवी आई थी हमारे घर में, तो इसलिए मम्मी ने इसे रखा हुआ है। और ये जो बना हुआ है ये भी फर्स्ट है हमारे घर में, तो इसलिए मम्मी ने रखा हुआ है। ये ड्रेसिंग टेबल मुझे ऐसा लगता है मम्मी के दहेज में आई है क्योंकि ये बहुत पुराने उससे चल रही है और ये मम्मी दे नहीं रही है। अच्छा, ये मैं जब फ्रैंकफर्ट करने गई थी, ये तब की फ़ोटो है, ये मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब का है, ये मुझे स्कूल में मिला था, ये भी अवार्ड मिला था अगर दिख रहा होगा तो, स्कूल का अवार्ड, ये भी अवार्ड, ये मेरे पापा का प्रमोशन, ये मैं फ्रैंकफर्ट गई थी, ये मेरे भाई को अवार्ड मिला था स्कूल में, हम लोग को बहुत सारे अवार्ड मिलते थे। ये जब हमारे घर में नया PNT लगा था तो ये तब का है तब का रखा हुआ है। तो या ये है हमारा नॉर्मल सा रूम। फिर चलते हैं हम, ये है हमारी क्यूटी जो ये घूमती रहती है, और ये है ड्राइंग रूम टाइप्स। मुझे लगता है ये भी सोफ़ा भी मम्मी को दहेज में मिला है कि मम्मी इसे बेचती नहीं है। तो ये है से एक ये तो पैसेज है जहाँ से हम यहाँ से भी बाहर निकल सकते हैं। और ये कैमरा फिटिंग इसकी ऐसी गिरा रखी है। अच्छा, ये जो ड्राइंग है ये मैंने बनाई थी जब मैं 6th में या 7th में थी, तो मम्मी ने अभी तक रखी हुई है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मम्मी ने अभी तक रखी हुई है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये है मेरे पापा, ये वाली स्मार्टी, और वो वाली जो ऊपर ड्राइंग रखी है, मतलब ये कढ़ाई करी थी ये मैंने, मैं 7th पे थी, ये मम्मी ने तब की रखी हुई है। तो ये है प्रॉपर ड्राइंग रूम, और ये पैसेज भी मैं दिखा देती हूँ, मतलब कैसा पैसेज है, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री हो सकती है बाहर से। ये है हमारा ड्राइंग रूम, बड़ा हमसे दिख जाएगा। ओके, अब इसके बराबर में ये मेरा रूम हुआ करता था, तो वेरी नॉर्मल रूम, ये तो आपको सबके घर में मिलेगा ये और दरवाजे के पीछे। तो अभी मुझे सबके कर्टन्स चेंज करने हैं, सब पुश्तैनी चीज़ें हैं। ये पापा की राइफल जो पापा ने ढक के रखी हुई है जब पापा कांस्टेबल थे तब का है ये। तो सारी चीज़ें आपको मेरे घर में पुश्तैनी मिलेंगी क्योंकि मेरे घर में लो मेंटेनेंस पापा को बड़ा पसंद है। तो ये एक छोटा सा एरिया है, मतलब ऐसा है ये, ये क्रोशिया का मम्मी ने बुना था, तो मम्मी इसे किसी को नहीं देती है। ये हमारा वॉशरूम है, ये वॉशिंग मशीन, तो ये इधर से ऐसा दिखता है नॉर्मल घर। वो बैठी है हमारी टफी। अब यहाँ से हम चलते हैं ऊपर, ऊपर भी पापा ने बनाया हुआ है, मतलब अभी बनाया है, तो ऊपर पूरा, नीचे तो ये बहुत सालों पुराना घर है हमारा। तो एक चलते चलते ये अभी बन के तैयार हुआ है। ये हॉल है, ये एक रूम है जो अभी रेडी हुआ नहीं है, इट्स लाइक अ नॉर्मल रूम, ये एरिया अभी अभी रेडी नहीं हुआ है। दैट्स बाथरूम, ये बेसिन एरिया, ये हमारा किचन है ऊपर। तो अभी बहुत कुछ चीज़ें होनी हैं, और ये पापा ने बालकनी कह लो, छोटा सा टेरेस कह लो, सब कह सकते हो उसे।
तो ये पूरा यहाँ पे मुझे ये स्पेशली मैंने बनवाया था कि मुझे एक ऐसा ओपन एरिया चाहिए जहाँ पे मैं डेकोरेट कर पाऊँ। ये ऊपर से दिखता है, दिस इज़ आवर गार्डन। ये अनदर वॉशरूम, फिर ऊपर आ जाती है हमारी छत, क्योंकि घर बन रहा था तो सामान ऐसे ही पड़ा होगा। ये है हमारी छत, क्योंकि बहुत गर्म हो रही है इस टाइम, मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रही है यहाँ पे। सर्दियों में बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत मज़ा बता नहीं सकती मैं। ये ऊपर से नीचे दिखता है, चलते नीचे, इस टाइम टेम्परेचर बहुत हाई है। इन दोनों को पता चल गया कि मम्मी जा रही है। टफी क्या हुआ, जा रही मम्मी? जल्दी आ जाऊंगी, नहीं जाऊं। हाँ बैठो मम्मी, टफू नो, जाने दो बेटा मम्मी को, चलो बाय जाए। बेटा मैं कैसे लेके जाऊँ तुझको, बता कैसे लेके जाऊँ बेटा, कहाँ जाएगी तू? तबू चल, नहीं 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 नहीं, थोड़ी दूर जाती तो मैं लेके जाती तुमको, तू नहाया नहीं, तू भी मेरे बाबू नहाया, मेरा क्यूटा नहाया। टफू चलो चलो बाय, भैया नहीं जाएगा, ले गोद लेके जा, चलो जाओ, चलो गोद लेके जाओ, गोद ले पैर कर देना, जाओ बाबू जाओ, देना साफ करके जाओ, पैर कर देना, जाओ अंदर लिटा देना, एक ही दोनों को, जाओ बाबू जाओ, जा मेरी मेरी मार, मैं नहीं लेके जा रही हूं। ओ मेरा बच्चा भैया, घूमने थोड़ी जा रही हूं, चल जा बेटा, नहीं जा रही हूं, तुझे कहां लेके जाऊं, मैं बॉम्बे जा रही हूं बेटा, ले जाओ भैया गोदी में, अभी एक मिनट आ जाऊंगी जल्दी, 15 दिन में, चलो मम्मी बेटा जल्दी आऊंगी मैं, कितनी देखी हो कुछ नहीं होता है, चलो चलो तो सही, अरे मम्मी एक बार पैर रखो मम्मी, कुछ नहीं हो, चलो चलो, नहीं डर लगेगा, चलो रखो तू पैर मम्मी, रखो कुछ नहीं है, मैं चलूंगी साथ में, पहले चलो मम्मी, चलो 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 मम्मी, कुछ नहीं है पैर रखो, कुछ नहीं है पैर रखो, चलो 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 चलो, हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो, चलो चलो चलो, पैर रखो मम्मी, रखो 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 रखो, चलो चलो चलो। तो अभी मम्मी के साथ एक प्रैंक होने वाला है, ठीक है, अभी सत्य जाएगा एंड विल डू अ प्रैंक, ओके वॉच इट। चलो मम्मी, मम्मी सीधा चलो, सीधा चलो, ये कौन है, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, नहीं ये कौन है, मैं पूछ रहा कौन है, या yeah?
ये कौन है? अरे ट्रॉली पीछे रह गई। मम्मी यहाँ पे वहाँ पे वहाँ